अब हम थोड़ा विस्तार से कांग्रेस के घोषणा पत्र को डिकोड करेंगे, जिसकी स्टडी करने पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया है जो मुद्दे बीजेपी के फोकस पर रहे। कांग्रेस ने अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों पर बड़ी ही चालाकी से वायदे किए। अब हम आपको कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं। अग्निपथ योजना मोदी सरकार की योजना है, कांग्रेस ने इसे बंद करने का वादा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का हमेशा से हिस्सा रहा है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि पर्सनल लॉ को समुदाय की सहमति से सुधारा जाएगा, यानी कांग्रेस ने यूसीसी का सीधे सीधे विरोध नहीं किया है। ईवीएम से वोटिंग, कांग्रेस मांग करती आई है कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट से होने चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ईवीएम का विरोध नहीं किया। ऐसा कानून बनाने का वादा किया है कि हर ईवीएम का नतीजा वीवीपैट के नतीजों से मिलान के बाद घोषित होगा। एक देश एक चुनाव, मोदी सरकार इस दिशा में तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि वो एक देश एक चुनाव को लागू नहीं करेगी। कश्मीर में धारा 370 का खात्मा, बीजेपी ने वर्ष 2019 में जब ये किया था तो कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने धारा 370 का कोई जिक्र नहीं किया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, मोदी सरकार ने जब इसे लागू किया तो कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। अब अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जीएसटी को खत्म करवाने के बजाय जीएसटी 2.0 लाने का वादा किया है, यानी अपनी चुनावी रणनीति और सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मोदी सरकार की नीतियों पर स्टैंड लिया है। लेकिन एक बड़े मुद्दे को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मिस कर दिया, और वो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आखिर कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने की गारंटी क्यों नहीं दी? घोषणा पत्र की लॉन्चिंग पर जब पत्रकारों ने यह सवाल उठाया तो जो हुआ उसे देखना आपके लिए काफी दिलचस्प रहेगा। मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल, राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है, तमाम सरकारें आपकी उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदंबरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, बट इन द मैनिफेस्टो द ओपीएस स्कीम इज मिसिंग। सो इज देयर अ रिफ्लेक्स, इज देयर अ इंट्रोस्पेक्शन दैट इट्स नॉट वायबल इकोनॉमिकली, इज इट दैट? It's not missing as such. It's very much on our minds. कांग्रेस नेताओं के इस रिएक्शन को देखकर समझ में आता है कि पार्टी ने घोषणा पत्र को कितनी गंभीरता के साथ तैयार किया है। जिस मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठाती रही है, उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की गारंटी को घोषणा पत्र में शामिल ना करके कांग्रेस ने क्या संदेश दिया है? क्या कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ गई है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना उसके वश की बात नहीं है? कांग्रेस के घोषणा पत्र को डिकोड करने पर एक बात और पता चलती है, वो ये कि घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने ऐसी कई गारंटियां दी हैं जिसे बीजेपी सरकार भी पूरा नहीं कर पाई। आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे कि एमएसपी की गारंटी, गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपए देने की गारंटी, किसानों का कर्ज माफ कर देने की गारंटी, आरक्षण में 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि इन गारंटियों के, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है, दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा है। इसका मतलब कि कांग्रेस ने मान लिया है कि 55 साल इन्होंने अन्याय किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत की है, जिसका एक अंश अब हम आपको सुनवाते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 24 के चुनाव के लिए 25 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद है। अनुराग ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी अब गारंटी दे रही है, एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल गांधी की गारंटी, किसकी गारंटी पर भरोसा होगा जनता को? देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, क्योंकि जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू में भी कहा था 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, सीए का कानून बनाएंगे, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे और गरीब कल्याण करेंगे, देश का विकास करेंगे, वो भाजपा ने किया है। राम मंदिर बनाने का काम भी किया है। मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, कांग्रेस की एक के बाद दूसरे राज्य में गारंटियां फेल हुई। राजस्थान था, छत्तीसगढ़ था, अन्य राज्य थे, फेल हुई और कांग्रेस बाहर हुई। कर्नाटक हिमाचल में इनकी सरकार बनी, जहां गारंटी दी नहीं पूरी कर पाए, आज कांग्रेस के विधायक इनको छोड़कर चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा, भाजपा ने जो कहा वो किया। आज देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। आज कांग्रेस क्या कहती है? कहती है लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मैं ये कहूंगा विशाल जी, लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, एंटी सनातनी खत्म हो रहे हैं। लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, कट मनी खत्म हो रही है। और ये खतरे की जो बात करते थे, कट मनी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, भ्रष्टाचारी खतरे में है, एंटी सनातनी खतरे में है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग खतरे में है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ओआरओपी की बात कर रही है, इसके अलावा जो एमएसपी की गारंटी किसानों को देने की बात कर रही है, और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जवान, किसान, इन तमाम चीजों को अपने घोषणा पत्र में रखा है। चुनौती है कुछ? कांग्रेस 40 में से 30 साल उस समय रही जब ओआरओपी की मांग हुई, लेकिन कांग्रेस ने कभी ओआरओपी की मांग पूरी नहीं की। मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के लिए ओआरओपी है ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। और जहां तक आप एमएसपी की बात करते हो, कांग्रेस ने 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी पर खर्च किया, मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ खर्च किया है। इन्होंने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,44,000 करोड़ खर्च किया। इन्होंने दलहन पर 1960 करोड़ रुपया खर्च किया, हमने 65,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। इन्होंने 31,000 करोड़ रुपया खर्च किया तिलहन पर, हमने 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया। इनका बजट किसानों के लिए होता था कृषि मंत्रालय का 27,662 करोड़ 2013-14 में, आज बजट है 1,25,000 करोड़। इनके समय किसान को न सम्मान मिला न निधि, हमने 3,00,000 करोड़ रुपया सम्मान निधि दी, 6,000 रुपया किसान को हर साल मिलता है, 2,000 रुपये की किस्तें। इनके समय मुआवजा नहीं मिला, हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिला। 15,511 करोड़ रुपये हमने सिंचाई योजनाओं पर खर्च किए। 2013-14 में इनकी सरकार के समय किसानों को बैंकों से मात्र 7,30,000 करोड़ रुपया मिला, पिछले साल हमने किसानों को 21,00,000 करोड़ रुपया दिया है, 3 गुना ज्यादा। अरे राहुल गांधी जी, ये आंकड़े देखिए और देखिए कांग्रेस कहाँ खड़ी थी। और आज मोदी जी ने जवान को और किसान को सम्मान भी दिया है और सुरक्षा भी दी है। एक अंतिम सवाल, एक योजना का और जिक्र किया है, महिला न्याय के लिए महालक्ष्मी योजना। कांग्रेस पार्टी ने महिला को न्याय दिलाने की बात की जा रही है राहुल गांधी की तरफ। आप देख ही रहे होंगे कितना न्याय मिल रहा है। कभी अभद्र टिप्पणी हेमा जी के प्रति, कभी ऐश्वर्या जी, कभी कंगना जी, कभी दूसरी महिलाएं। अरे इन्होंने महिलाओं का सम्मान करना होता तो उनके बैंक खाते, उनको शौचालय, उनको पक्का मकान, उनको रसोई गैस के सिलेंडर, उनको दवाई और पढ़ाई दे दी होती। नहीं किया उन्होंने, ना इंदिरा जी ने, ना सोनिया जी ने, ना नेहरू जी ने, ना राजीव जी ने, राहुल जी ने। इन्होंने तो केवल कांग्रेस पार्टी को आरएसवीपी पार्टी बना दिया है, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। ये महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? रोज तो गाली सुनने को मिलती है, इनके प्रवक्ता कभी ट्विटर पे तो कभी सभाओं में बोलते हैं। ये क्या न्याय महिलाओं को दिलाएंगे? न्याय तो मोदी जी ने दिया, नारी शक्ति बंधन बिल लाके विधानसभा से लोकसभा तक 33% आरक्षण दे दिया। हमारे टिकट वितरण में भी बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकटें दी है। और हमने अपने संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने 25% महिलाओं को आरक्षण दिया है। ये हम लोगों ने किया, ये कभी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए मोदी की गारंटी का तोड़ निकालने की कोशिश की, लेकिन क्या कांग्रेस की गारंटियों के पूरा होने की गारंटी है? और क्या देश मोदी की गारंटी के बजाय कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा करेगा? ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे।